फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मेहर प्लस थर्ड फॉर्म क्या है। आप कहते हैं मेहर के साथ थर्ड फॉर्म। इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, मेहर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि गुजरे हुए टाइम में किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थी, यानी संभावना थी, लेकिन पता नहीं वो काम हुआ या नहीं। यानी इस स्ट्रक्चर से पता ये चलता है कि गुजरे हुए टाइम में किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, लेकिन नहीं मालूम वो काम हुआ या नहीं। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेह प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग कई बार गागी में भी हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं मे मीन्स सकता, लेकिन जब मेहर के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मीनिंग गागी में होता है। जैसे वो एग्जाम पास कर लिया होगा तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही मे हैव पास्ड द एग्जाम, यानी वो इस काम को कर लिया होगा। मेरी इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, और आगे इस सेंटेंस का ये सेंस है पता नहीं वो पास किया कि नहीं किया। यानी इस सेंटेंस से पास्ट टाइम में हुए किसी काम की होने की संभावना का पता चला और वो काम हुआ कि नहीं हुआ इसका पता नहीं चलता है। वह नौकरी पा लिया होगा ही मे हैव गॉट अ जॉब, यानी गुजरे हुए टाइम में उसे नौकरी पाने की संभावना थी, अब पता नहीं वह नौकरी पाया या नहीं पाया। वह घर पहुंच गया होगा तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा ही मे हैव रिचड होम। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है यानी संभावना है, और वो घर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये बात मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने बोला मे हैव रिचड, यानी मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। वह उसको मार दिया होगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही मे हैव किल्ड हिम, यानी सेंटेंस में मैंने दिखाया पॉसिबिलिटी, संभावना, और पता नहीं उसने उसको मारा या नहीं मारा ये बात पता नहीं है, यानी ये काम हुआ कि नहीं हुआ ये क्लियर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी आप कहेंगे ही मे हैव किल्ड हिम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।